नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी सात बिछाई जाने लगी है। उपचुनाव में अमूमन दूरी बनाए रखने वाली बसपा प्रमुख मायावती ने इस बार किस्मत आजमाने का फैसला किया है और अपने पत्ते खोल दिए हैं। यूपी उपचुनाव की 10 में से 6 सीटों पर मायावती ने टिकट को हरी झंडी दे दी है। बसपा प्रमुख ने अयोध्या जिले की मीरापुर सीट पर पुराने चेहरे पर दाव खेला है तो मीरापुर सीट पर चंद्रशेखर आजाद के करीबी को उम्मीदवार बनाया है। इतना ही नहीं, फूलपुर सीट पर मायावती ने 2024 में चले अखिलेश यादव वाला फॉर्मूला चला है और कचहरी सीट पर कांग्रेस से आए नेता को उतारा है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मिल्कीपुर, सीसामऊ, कचहरी सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, खैर और मीरापुर विधानसभा सीट है। इनमें से 5 सीट पर सपा के विधायक थे तो 3 सीट पर बीजेपी का कब्जा था। इसके अलावा निषाद पार्टी और राज्य लोकदल के एक विधायक थे। 2024 में 9 विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने के चलते सीटें खाली हुई हैं। तो कानपुर सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी को अदालत से सजा होने के चलते उपचुनाव होने हैं। इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है, जिसके चलते ही मायावती भी किस्मत आजमा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर राम गोपाल कोरी को उम्मीदवार बनाया है तो अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से अमित वर्मा पर दाव खेला है। इसके अलावा बसपा ने फूलपुर विधानसभा सीट पर शिववरण पासी को प्रत्याशी बनाया है तो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर शाहनजर को टिकट दिया है। इन चेहरों की बात की जाए तो ये नेता मायावती से मुलाकात करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद उपचुनाव में उनकी उम्मीदवारी पर मुहर लगी। इसके अलावा मिर्जापुर की मंझवा और कानपुर की सीसामऊ सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बसपा ने मिल्कीपुर और फूलपुर विधानसभा सीट से दलित उम्मीदवार को उतार कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। अब दलित प्रत्याशी मैदान में होने से दोनों ही सीटों पर दलित वोट बैंक को अपने अपने पाले में करने की होड़ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मीरापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम दाव खेला है तो कटहरी सीट पर कुर्मी दाव खेलकर दोनों ही सीटों पर मुकाबले को कांटे का बना दिया है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने फैजाबाद और मेरठ सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारे थे, उसी फॉर्मूले को मायावती ने फूलपुर के उपचुनाव में चला है। बसपा ने फूलपुर सीट पर शिववरण पासी को प्रत्याशी बनाया है जो दलित समुदाय से आते हैं। फूलपुर विधानसभा अनरिजर्व सीट है। बसपा के मुख्य सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद्र खरबार ने कहा कि शिववरण पासी उपचुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का सियासी प्रयोग हिट रहा था। सपा फैजाबाद सीट जीतने में सफल रही और मेरठ सीट पर उसे मामूली वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती ने उपचुनाव में अखिलेश वाला प्रयोग करके फूलपुर सीट जीतने का दाव चला है। मायावती ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से राम गोपाल कोरी को प्रत्याशी बनाया है। राम गोपाल कोरी 2017 में मिल्कीपुर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, तब उन्हें 46,000 वोट मिले थे और वह तीसरे स्थान पर थे। 2017 के चुनाव में बीजेपी के गोरखनाथ बाबा निर्वाचित हुए थे और उन्होंने सपा के अभेश प्रसाद को हराया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के अभेश प्रसाद ने गोरखनाथ बाबा को हरा कर अपना हिसाब बरकरार कर लिया है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अभेश प्रसाद को फैजाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की। अभेश प्रसाद के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद मायावती ने कोरी समुदाय से आने वाले राम गोपाल कोरी पर दाव चला है, क्योंकि सपा और बीजेपी यहां से पासी समुदाय के नेता को चुनाव लड़ाने की जुगत में है। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर बसपा ने शाहनजर को उम्मीदवार बनाया है। शाहनजर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के करीबी माने जाते हैं और वो आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए थे, जिन्हें मायावती ने अपने साथ मिला लिया है और उन्हें मीरापुर सीट से उतारा है।
शाहनजर मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। इस तरह से बसपा ने मीरापुर सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर बड़ा सियासी दांव चला है, क्योंकि इस सीट पर करीब 1.25 लाख मुस्लिम वोट हैं। चंद्रशेखर ने भी इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखे हैं। यह सीट आरएलडी के विधायक रहे चंदन चौहान के सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है। 2012 में बसपा ये सीट दलित और मुस्लिम समीकरण के सहारे जीतने में सफल रही थी और उसी दाव को फिर से आजमाया है। बीएसपी ने अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से अमित वर्मा को अपना चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जो उपचुनाव के लिए उनका उम्मीदवार होना तय है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कटहरी विधानसभा सीट से अमित वर्मा का टिकट फाइनल है। अमित वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके नाम पर मोहर लगी थी। अमित वर्मा ओबीसी के कुर्मी समुदाय से आते हैं और कांग्रेस छोड़कर बसपा में आए हैं। ये सीट लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है। लालजी वर्मा कुर्मी समुदाय से आते हैं और बसपा से लेकर सपा तक से विधायक रह चुके हैं। पूर्वी और दलित समीकरण बनाने के लिहाज से मायावती ने अमित वर्मा पर दांव खेला है। मिर्जापुर जिले की मंझुआ विधानसभा सीट पर मायावती ने ब्राह्मण कार्ड चला है। बसपा ने दीपू तिवारी को मंझुआ सीट पर प्रभारी बनाया है। माना जा रहा है कि उनका टिकट फाइनल है। मंझुआ विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण समुदाय की संख्या काफी महत्वपूर्ण है और कई बार चुनावों में यह निर्णायक भूमिका निभा चुका है। इसी समीकरण को देखते हुए बसपा ने दांव चला है। दलित ब्राह्मण समीकरण के चेहरा के सहारे मंझुआ सीट फिर से जीतने की तैयारी है। दीपू तिवारी सपा छोड़कर बसपा में आए हैं और छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस तरह उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। कानपुर की सीसामो विधानसभा सीट पर बसपा ने बीआर अहिरवार को प्रत्याशी बनाया है। सीसामो विधानसभा सामान्य सीट है। मायावती ने अनरिजर्व सीट पर दलित प्रत्याशी उतार कर बड़ा सियासी दांव चला है। बीआर अहिरवार बसपा के पुराने नेता हैं और मिश्रिख लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ चुके हैं। अब मायावती ने चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से मायावती ने अपने कोर वोट बैंक के साथ साथ पार्टी के नेताओं को भी सियासी संदेश दे दिया है। अब जिस तरीके से मायावती ने अपना एक एक उम्मीदवार काफी सोच समझ के चुनावी मैदान में उतारा है, ऐसे में जो मायावती उपचुनाव से दूरी बनाकर रखती थी, क्या वो मायावती अब इस उपचुनाव में जीत दर्ज करती हुई नजर आएंगी? क्या इन उपचुनावों की 10 सीटों पर कुछ सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आएंगी भी या नहीं? क्योंकि यहाँ पर अब जो मुकाबला है वो काफी कड़ा होने वाला है, क्योंकि उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, सीएम योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी, वहीं अगर देखा जाए तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल समेत कई तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। और अगर आम चुनावों के नतीजे देखे जाए तो आम चुनावों के नतीजे समाजवादी पार्टी के समर्थन में गए थे और माना यह भी जा रहा है कि उपचुनाव में 10 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी की सीटें ही मानी जाती हैं। तो ऐसे में क्या उन 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा भी, या इस उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी कोई बड़ा खेला करती हुई नजर आ सकती है? फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।